हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इनसाइड होम व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज सुबह की शुरुआत हो गई है और मेरे काम शुरू हो चुके हैं। तो आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से काम स्टार्ट किए हैं। अलग तरीका क्या है कि आज मैंने पहले सुबह उठ के नहा वहा लिया था, चाय वाय पी ली, मतलब नाश्ता वगैरह हो गया। तो ये सारे काम आज मेरे पहले हो गए हैं, मतलब नहाना धोना भी हो गया है। क्योंकि इनको आज जाना था ऑफिस सुबह जल्दी, 6 बजे ही वो निकल गए थे। तो फिर मैंने भी नहा वहा लिया, उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह किया। तो इस तरह से अब बाद में जो भी साफ़ सफाई के काम हैं, साफ़ सफाई कुछ मुझे पोछा वगैरह आज नहीं लगाना है, झाड़ू झाड़ू लगानी है, तो इसलिए मैंने नहा धो लिया पहले ही। और काफ़ी पॉजिटिव माइंड से मैं काम कर रही हूँ। नहाने के बाद एक अलग एनर्जी रहती है काम करने की, तो अच्छा लगा मुझे। अब गर्मी आ गई है तो मैं कोशिश करूँगी कि पहले नहा वहा लिया जाए फिर काम किए जाए घर के। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं बिस्तर सही कर रही हूँ, तो जो भी ओढ़ने के कंबल वगैरह थे वो मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। और बेडशीट जो नीचे खिसक गई है उसको मैं सही करके ऊपर से दबा रही हूँ। और जब एक बार बिस्तर अच्छे से बना दो तो कितना अच्छा लगता है, और बिस्तर अगर ना बनाओ तो कितना बिखरा सा लगता है रूम। तो ये ज़रूर करो डेली, मैं तो डेली करती हूँ कि बेडशीट तो मेरी डेली सही करनी ही होती है। और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं सुबह ये काम कर लेती हूँ, तो इसलिए अक्सर मैं नहाने से पहले ही ये सारे काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे अभी नीचे साइड से भी इसको अच्छे से दबाऊंगी। जब ये बेडशीट चारों साइड से अच्छे से दबी रहती है तो मुझे बस बेड देखने में बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिविटी रहती है कि चलो मेरा घर साफ है। और जब घर घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो काम में भी बहुत मन लगा रहता है। जब घर बिखरा होता है तो फिर जो कोना साफ़ सुथरा होता है मेरा वहीं बैठने का मन होता है कि हाँ बैठ के काम करते रहो और बस। तो यहाँ पे अथर्व ना मुझे बिस्तर बनाने नहीं दे रहे हैं, ये बिगाड़ रहे हैं और मैं बार बार सही कर रही हूँ। तो मैं इनको मना रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बाबू प्लीज़ ऐसे मत करो, मम्मा की मेहनत मत ख़राब करो। तो अभी ये फ़िलहाल मान चुके हैं और ये खुद ही अब सही करवाएंगे बिस्तर यहाँ का। तो इनको बहुत मज़ा आ रही और अब इनकी भी मेहनत लग गई है, तो अब ये बिस्तर नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से इनको जब मैं मनाती हूँ, कोई बात समझाती हूँ तो इनको समझ आ जाता है। अब पता नहीं समझ आता है नहीं आता है, पर ये वो काम फिर नहीं करते हैं। तो अब ये ऊपर ही गाड़ी चलाने में लगे हैं और इधर मैं पिलो वगैरह रख देती हूँ अच्छे से। इधर बेड हमारा सेट हो गया है तो पूरा घर तो ऐसे ही साफ़ हो गया, मतलब बेड क्लीन हो गया, मतलब घर साफ़ सुथरा दिखने लगता है। और इधर जो टेबल वगैरह है मेरी स्टडी टेबल और जो भी चीज़ें हैं उनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले यहाँ पे इस गट्ठर को मैं क्लीन करती हूँ, मतलब इसमें जो भी कपड़े फोल्ड लगाने वाले हैं इनको मैं पहले फोल्ड लगा के रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत गंदा दिखता है। जब कपड़े फोल्ड करने के लिए रखे रहते हैं बाहर तो फिर घर बहुत बिखरा सा लगता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, खुद को भी अच्छा नहीं लगता, तो कोई आ जाए तो फिर तो और अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं इनको ना ऐसे मतलब चादर में लपेट के रख देती हूँ ताकि ये दिखे ना, बहुत सारा ढेर ना दिखे कपड़ों का। और इनको मैं चेयर पे या कहीं ऐसी जगह रखती हूँ कि थोड़ा सा दिखने में फिर ठीक ठाक लगे। लेकिन अभी 2 दिन के कपड़े जो भी मैंने धुले थे वो पूरे ऐसे इकट्ठे हो गए हैं, तो आज तो ज़रूरी था इनको होल्ड करके अलमारी में रखा जाए। और ये मैंने दुपट्टा अभी जल्दी में ही 2 लिए थे मैंने चुनरी, तो पहले मैं इसको फ़ोल्ड लगा रही थी पर वो वैसे फ़ोल्ड हो नहीं रहा था। तो फिर मुझे याद आया कि जिस तरह से हम ख़रीद के लाते हैं उस तरह से लपेट के ही इसको रखें, तो बस उसी की कोशिश मैं यहाँ पे कर रही थी कि इसको उसी तरह से करूं। और देखिए ना बहुत अच्छे से मैंने ये बना लिया है, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई ये काम करके। और अब मैं अपनी जितनी भी चुनरी हैं सॉफ्ट वाली इनको मैं ऐसे ही करके रखूँगी। तो ये दूसरी वाली भी मैं करने जा रही थी पर अथर को खेलने का मन हो गया तो मैंने कहा चलो इसके साथ में थोड़ा सा खेल लेते हैं और बाद में मैं इसको फोल्ड लगा के रख दूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने सारे कपड़े लगभग फोल्ड कर लिए हैं और कुछ वूलन कपड़े भी दुल्हे में निकले हैं उनको मैंने साइड में रख लिया है। तो अब ये बेडशीट भी फोल्ड लगा लेती हूँ फटाफट से। तो सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, अब इनको रख लेते हैं अलमीरा में। तो बस आज थोड़ा सा काम यही वाला एक्स्ट्रा है मेरा कपड़े वपड़े का, तो ये काम ज़्यादातर मैं शाम में करती हूँ, पर आजकल शाम को पढ़ाई लिखाई का काम रहता है तो इसलिए
ये काम भी अब मैं सुबह ही करूँगी। तो इस तरह से बस कपड़े फोल्ड लगा लिए हैं, और जब ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। जब थोड़े बहुत कपड़े धुल के फोल्ड लगाने हो तो वो तुरंत हो जाते हैं, और ये एक दिन 2-3 बार मशीन लगाई तो बस इसलिए कपड़े बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। तो बस इनको यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, अथर्व के कपड़े और टॉवल वगैरह, और बेडशीट भी इधर ही वाली अलमीरा में रहेगी, और ये हम दोनों लोग के कपड़े इधर वाली अलमीरा में रहेंगे। तो बस कुछ इस तरह से हमारे जो कपड़े रखने का तरीका है, कुछ इस तरह से रखते हैं। कल के वीडियो में मेरे मुंह से निकल के आता कि कुछ टेंशन चल रही है और ऐसे कुछ, तो एक कमेंट आया था और वो पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई कि आप लोग मतलब इतना नोटिस करते हैं, मतलब इतने ध्यान से आपने मेरे वीडियो को देखा। अदरवाइज क्योंकि मुझे पता है मैं जब एनालिसिस करती हूँ वीडियो का तो बहुत कम लोग पूरी वीडियो देखते हैं, बहुत कम का मतलब मुझे लगता है 8-10 लोग ही पूरी वीडियो देखते होंगे, और बाकी 1 आध मिनट देख के स्किप कर जाते हैं। तो वहाँ एनालिसिस पे मुझे यही देखने को मिलता है कि बहुत कम ऑडियंस पूरा वीडियो देखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब इतनी मेहनत करती हूँ और किसी ने मेरे वीडियो को पूरा देखा, मेरी बातों को सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई मुझे। हालांकि इतनी कोई बड़ी टेंशन नहीं थी, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो बस वैसा ही कुछ था। पर आपने पूछा तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, तो यहाँ पे मैं आज इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि मैं ये बता सकूं कि मुझे आप लोगों के कमेंट कितना मतलब मायने रखते हैं मेरे लिए, कितना मोटिवेट करते हैं मुझे। एक भी कमेंट आ जाता है, कुछ इतना पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं आप सभी से, इतना सारा प्यार, तो बस यही प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसे ही आप वीडियो को प्यार देते रहे। और आपने पूछा तो मैं बता ही दूं कि क्या टेंशन है मुझे आजकल। एक्चुअली क्या है ना कि वीडियो कोई पूरी नहीं देखता है, इसलिए वीडियोज़ का जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो रहा है, और वीडियो पूरी ना देखने की वजह से यूट्यूब मेरी वीडियोज़ को प्रमोट नहीं कर रहा है, आगे कहीं ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं जा रहा है, तो इसलिए से व्यूज तो कम आते ही हैं, साथ ही मुझे बहुत कम वॉच टाइम मिल रहा है जिसकी की वजह से अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए नहीं गया है। तो बस यही एक टारगेट था मेरा कि फरवरी तक में भी सब कुछ हो जाएगा, तो बस यही एक टेंशन है आजकल मुझे। पर कोई नहीं, कुछ टाइम के लिए डिमोटिवेशन हो जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ हॉल की साइड का बेड बनाने के लिए, और ये बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई थी, इसको मैंने दोनों साइड से यूज किया है, मतलब पहले ऐसे सीधी सीधी बिछी हुई थी, फिर 2 दिन पहले मैंने इसको उल्टा करके बिछा दिया था, और कल मेरे घर पे कोई आ गया था तो ये बोलने लगे कि बेडशीट बहुत गंदी हो गई। फटाफट से दूसरी बेडशीट मैंने बिछा दी हैं, और बेडशीट्स वगैरह मुझे लानी हैं, और क्योंकि सिंगल बेड की बेडशीट्स बहुत कम है मेरे पास, एक तो जो बिछा रखी थी वो तो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है, और ये वाली थोड़ा सा ठीक है पर ये थोड़ा सा छोटी पड़ जाती है, वो दोनों साइड से दबाने में कम पड़ती है, और बाकी दूसरी एक और है तो वो फट चुकी है थोड़ा बीच में। तो इस तरह से सिंगल बेड की बेडशीट्स कम है तो मैं उस हिसाब से चलाती रहती हूँ काम। और यहाँ पे मैंने पिलोज वगैरह रख दी हैं, तो बस इधर का भी बेड बन गया है, और चेयर यहाँ रख देती हूँ साइकिल अथर की, तो बस अब इधर के टॉयज वगैरह मैं उठा लेती हूँ। खिलौने पूरे घर में बिखरे ही रहते हैं पर जब भी सफाई करती हूँ उठा के एक बार जगह पे इनको रख देती हूँ, और थोड़ी देर बाद बाबू फिर खेलने लगते हैं तो फिर ये उठा लाते हैं। और इनकी बस बिगड़ गई थी तो मैंने सोचा बना दूँ पर वो बनी नहीं रही, तो फिर ये उसी में खेल रहे हैं। और इधर साइड अब बचा है झाड़ू लगाना, उसके बाद फिर मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। किचन को मैंने क्लीन कर लिया है, सिर्फ बर्तन बचे हुए हैं तो वो मैं बाद में धुल लूँगी। और बेड के नीचे से हमेशा मैं झाड़ू लगाने की कोशिश करती हूँ, जितना झाड़ू चला जाता है नीचे उतना मैं मतलब नीचे झाड़ू करके कूड़ा निकाल देती हूँ, जो भी डस्ट वगैरह जम जाती है, ताकि थोड़ा सा वो साफ़ रहे नीचे साइड में। तो यहाँ पे बस झाड़ू लगाना है, पोछा आज मुझे नहीं लगाना है, और घर साफ़ ही है, बस जो भी कूड़ा हो गया थोड़ा बहुत वो साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मुझे मशीन में कपड़े भी लगाने हैं तो एक बार के धुलने के लिए कपड़े भी हो गए हैं तो वो भी धुलूँगी। तो बस यही था आज मेरा काम। यहाँ पे अथर चला रहे गाड़ी, और ये देखिए मेरी बालकनी, ये अथर के जूता चप्पल कितने सारे हैं, और जब पहनाने चलो तो इनके कपड़े ही नहीं होते हैं। चलो तुम खेल लो यहाँ, तो
पूरा घर एकदम साफ हो गया। अब जाके टाइम मिला है मुझे, यहाँ पे बिस्तर बेडशीट चेंज कर ली है, इधर भी ठीक ही ठाक है, और कपड़े अभी लगाने हैं मुझे, और किचन क्लीन कर दिया, बर्तन अभी पड़े हुए धुलने को, अभी मेरा मन नहीं, बाद में धुलूँगी, और यहाँ पे बिस्तर ये वाला भी बना दिया, तो लगभग क्लीन हो गया है। तो अब मैं बैठूंगी, थोड़ी देर पढ़ाई करूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, और अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज मैंने सोचा है कि डिनर भी मुझे शाम को जल्दी बना लेना है, और लंच में मैंने कुछ नहीं बनाया है, शाम की थोड़ी सी खिचड़ी रखी हुई है, और मेरा कुछ मन नहीं है बनाने का, और भूख भी नहीं लगी है। अभी बनाऊंगी थोड़ी सी कॉफ़ी, कॉफ़ी पियेंगे, ब्लैक कॉफ़ी आराम से, और पढ़ाई करेंगे, फिर 2-3 बजे तक भूख लगी, 3 बजे तक, तो फिर देखते हैं क्या बनाएंगे। खिचड़ी खा लूँगी वैसे, फिर आज मैंने सोचा है कि 5-6 बजे के आसपास खाना मैं चढ़ा दूँगी शाम का, 5-5:30 बजे तैयारी करने लगूँगी, और शाम का खाना बनाकर रख दूँगी, 8 बजे तक डिनर कंप्लीट करना है, 8 से 10 फिर कुछ काम करना है, चाहे तो मेरी पढ़ाई हो या कुछ भी, तो थोड़ा सा शेड्यूल मैंने चेंज किया है, क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज हो रहा है, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो चलिए, तो अगर मैंने रेसिपी सूट की आज, कुछ अच्छा बनाऊंगी, मेरा फेवरेट कटहल, तो फिर मैं वो शेयर करूंगी, अदरवाइज यहीं पर ब्लॉग फिर एंड हो जाएगा। तो आज काम में मन नहीं लग रहा था, फिर मैंने थोड़े से गाने लगा लिए फ़ोन में, और गाने सुनते सुनते सारे काम हो गए, और पोछा मैंने नहीं लगाया है, बाकी सारे काम मैंने कर लिए हैं, कल ही मैंने पोछा वगैरह किया था, तो फिर इतना गंदा घर नहीं होता है, तो आज काम चल जाएगा, कल की कल देखेंगे। तो होली भी आने वाली है, और होली की भी साफ़ सफाई करनी है, और मेरा मन हो रहा मैं किसी से बातें करूँ खूब सारी, पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बातें कम करते हैं, अपनी पढ़ाई करती हूँ मैं थोड़ी सी। तो चलिए, फिलहाल मन तो नहीं हो रहा है, पर ब्लॉग को तो एंड करना ही पड़ेगा, और अगर रेसिपी सूट हुई तो आगे कंटिन्यू रहेंगे, आगे मैंने बता ही दिया पूरे दिन मैं क्या करने वाली हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा रहा। तो बस इसी तरह से ये बड़े बड़े वाले दिन कट रहे हैं, दिन बहुत बड़े होने लगे हैं, और काम भी काफ़ी रहता है, पर फिर भी काम करने का मन नहीं होता है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा दिन है, कब ख़त्म होगा, और कुछ मतलब एक होता है ना प्रोडक्टिव डे, मतलब काफ़ी सारा काम हो जाए आपका, और टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाए, तो बस मेरा ये टेंशन रहता है कि जब भी मैं जो सोचती हूँ वो नहीं हो पाता है, जैसे मैंने सोचा आज मुझे इतना इतना सा काम करना है, और किसी रीज़न से मेरा मन नहीं लग रहा काम करने में, काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर मुझे बुरा लग जाता है कि यार इतना सोचा था और इतना काम मैं नहीं कर पाई हूँ, तो उस वजह से मुझे अपने आप से ही बुरा लग जाता है। तो चलिए, फिलहाल मिलते हैं थोड़ी देर बाद।